मध्य प्रदेश के इंदौर के लसूड़िया थाना परिसर में खड़ी अपराधों में जब्त वाहनों में आग लग गई। थाना परिसर के पीछे लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद वहां खड़े वाहन आग की चपेट में आ गए। भीषण आग के चलते थाना के लॉकअप में मौजूद आरोपियों को विजयनगर थाने में शिफ्ट कराया गया। दरअसल पूरी घटना बुधवार देर रात इंदौर के लसूड़िया थाना परिसर के पीछे लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है, जहाँ आग लगते ही थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। थाने में आपराधिक मामलों में जब्त 25 से अधिक टू व्हीलर वाहन और 3 कार जल कर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। भीषण आग के चलते थाने के लॉकअप में मौजूद आरोपियों को विजयनगर थाने में शिफ्ट कराया गया। सर बताइए, आगजनी घटना हुई क्या कारण रहा है और अभी तक कितना नुकसान? ये थाने के पीछे ट्रांसफार्मर है, तो अचानक ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग हुआ, तो उसके साइड में पेड़ है, पेड़ की पत्तियों ने आग पकड़ी और उसके पास ही जब्तशुदा वाहन मोटरसाइकिलें वगैरह रखी हैं। जैसे ही वो पेड़ की पत्तियां जलते हुए गाड़ियों की सीट पर गिरी, वैसे ही गाड़ियों ने आग पकड़ ली, जिससे काफ़ी तेज आग लगना प्रारंभ हो गई। तत्काल कर्मचारियों ने बाल्टी से पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया, तथा पास में ही गुरुद्वारा है, वहाँ पर एक टैंकर पानी का खड़ा था। गुरुद्वारे के कुछ सेवादार लोग आए और उन्होंने प्रारंभ किया, इतनी देर में फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू किया है। गाड़ियां जली है अभी उसकी कर रहे हैं गिनती, कितनी गाड़ियां जली, करीब 20-25 मोटरसाइकिलें जली हैं जब्ती की थी। सर, दो कारों में भी आग लगी? हाँ, साइड में दो कार खड़ी थी जब्ती की, उनमें भी आग लगी है, उसको भी नियंत्रित किया गया है।